हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में वी आर गोइंग टू मेक इट लार्जर। ये हमारा मंथ एंड वीडियो है और मैंने डिसाइड किया है कि अब से जो लास्ट वेंसडे होगा हर मंथ का, उसमें मैं एक बजट विस्की का रिव्यू करूंगा। उसके दो रीजंस हैं, एक तो मंथ एंड होता है तो हमारा बजट थोड़ा कम हो जाता है, और दूसरा आई वॉन्ट टू कीप अ बैलेंस ऑन माई चैनल की, ताकि मैं हर तरह की विस्कीज़ के रिव्यू करूँ, चाहे वो महंगी हो, सिंगल मॉल्ट हो, बर्बन हो, या फिर एक बजट विस्की हो। सो आई वॉन्ट टू रिव्यू ऑल काइंड ऑफ विस्की। सो रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट, इससे पहले हमने नॉर्मल रॉयल स्टैग का रिव्यू किया था जो कि मुझे ठीक ठाक विस्की लगी थी इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज, और ये जो है इसका उस विस्की का प्रीमियम वेरियंट है और इसे नाम दिया गया है बैरल सेलेक्ट। तो आज हम चेक करेंगे कि क्या है इसके टेस्ट में, और साथ में इसे हम कंपेयर भी करेंगे जो रेगुलर वेरिएंट होता है रॉयल स्टैग का। सो दिस विस्की वॉज लॉन्च्ड इन 2011 आफ्टर द सक्सेस ऑफ रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है, एक बहुत ही सक्सेसफुल विस्की है, और अगर मैं बात करूँ उसकी मार्केटिंग की, सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग फॉर एनी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इवन दो विस्की एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप डायरेक्टली मार्केट नहीं कर सकते, बट स्टिल रॉयल स्टैग हैज़ मैनेज्ड टू मेक अ बिग नेम फॉर देमसेल्व्स। तो इट मेक्स सेंस कि उसी ब्रांड नेम को आगे बढ़ाया जाए, उसके कुछ वेरिएंट्स लॉन्च किए जाएँ, ताकि जो रॉयल स्टैग के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ा हुआ है वो कायम रहे, एंड पीपल विल बी मोर कीन ऑन बाइंग द न्यू प्रोडक्ट। सो इसकी जो बॉटल है उसे डिज़ाइन किया है यूके की कंपनी कार्टलिस ने, एंड आई थिंक काफ़ी न्यूआंस चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर रॉयल स्टैग, बट इसे एक ज़्यादा मॉडर्न, एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश करी गई है, एंड आई डू फाइंड दिस बॉटल अ गुड लुकिंग बॉटल। सो प्राइस है इसका ₹500 इन दिल्ली, सो ओनली ₹50 मोर देन रेगुलर रॉयल स्टैग। तो एक बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है इन दो विस्कीज़ में, बट उस ₹50 में आपको अगर टेस्ट में कुछ ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स मिल रहे हैं, सो आई थिंक देन इट डेफिनेटली मेक सेंस कि आप रेगुलर रॉयल स्टैग की जगह ये खरीदें। एक प्रोसेस जो इसे डिफरेंट बनाता है रेगुलर रॉयल स्टैग से, वो है सोलेरा प्रोसेस। सोलेरा प्रोसेस आई थिंक मैंने समझाया था, किस वीडियो में समझाया था मुझे याद नहीं है, बट बेसिकली जब कास्क में विस्कीज़ को एज कराया जाता है तो एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं वो कास्क, और जो नीचे वाले कास्क होते हैं दे यूजली मैच्योर फास्टर एंड दे आर बेटर क्वालिटी। तो जैसे जैसे नीचे वाले कास्क खाली होते रहते हैं उसकी जो विस्की यूज़ की जाती है, तो ऊपर वाले कास्क की जो विस्की है वो नीचे वाले कास्क में शिफ्ट कर दी जाती है, ताकि वो विस्कीज़ ब्लेंड हो सकें अच्छे से, और जो नीचे वाले कास्क की क्वालिटी हैं वो सारे कास्क को मिल सके, सारी विस्कीज़ को मिल सके। तो ये सोलेरा प्रोसेस होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आई नो कि मैंने पिछली बार भी बोला था, सो आई थिंक इसमें जो स्कॉच विस्की यूज़ करी जाती है उसमें सोलेरा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। आप कितने परसेंट स्कॉच विस्की यूज़ की जाती है उस वो कहना तो मुश्किल है, बट चलिए शुरू करते हैं अपना रिव्यू प्रोसेस। एक छोटा सा पोर करता हूँ मैं इसे ग्लास में। वेरी नाइस गोल्डन ह्यू टू दिस विस्की, नोजिंग करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नोज़ पर, बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विस्की जो नोज़ पर हो मैंने आज तक कभी ट्राई करी है, और जो अल्कोहल का जो भपका है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ नोट्स मैं ज़्यादा नहीं फील कर पा रहा हूँ इसके। हल्की हल्की स्वीटनेस है इस विस्की के अंदर, बट बिल्कुल आग लगाने वाली विस्की है। एक
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है फ्लेवर वाइज अगर मैं बात करूँ. सो अगर एक स्वीटनेस आ रही है मुझे, हल्का हल्का वुड का कैरेक्टर है बट नॉट अ लॉट गोइंग ऑन फ्लेवर वाइज. मे बी एक ऐसी विस्की है जिसे आप मिक्स करके पीना चाहेंगे. ऑफकोर्स नीट तो कोई नहीं पीता, बट टू जज अ विस्की नीट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई आई ट्राई अ विस्की नीट. बट इफ़ यू प्रॉब्ली मिक्स इट विथ कोक या कोई कॉकटेल मिला के पीते हैं देन इट शुड बी मच मोर टॉलरेबल. नॉट रियली दैट इम्प्रेस्ड. आई डोंट रिमेंबर रॉयल स्टैग का टेस्ट कैसा था बट आई थिंक मुझे वो ठीक ठाक लगा था. चलिए ट्राई करके देखते हैं, रॉयल स्टैग के साथ इसे कंपेयर करते हैं. सो दे डू फील लाइक सिमिलर विस्कीज बट आई वुड से रॉयल स्टैग इज डेफिनेटली अ लॉट मोर स्मूदर. स्वीटनेस है इसके अंदर, हल्का हल्का मिंटीनेस आ रही है मुझे इसके अंदर एंड द लैक ऑफ हार्शनेस आई थिंक दैट रियली हेल्प्स एंड यू कैन ईजली ड्रिंक दिस विस्की. इवन अगर आप नीट पीना चाहें यू कैन. आई डोंट थिंक कि जो इम्प्रूवमेंट्स इसमें करे गए हैं ऑन टॉप ऑफ रॉयल स्टैग दे हैव हेल्प्ड दिस विस्की मच. आई थिंक फ्लेवर्स को थोड़ा सा ख़राब ही किया गया है. आई एम नॉट श्योर कि सेम विस्की को यूज़ करा गया है, सेम यू नो सेम बेस है या फिर एक नई विस्की बनाई गई है. ऑल दो टेस्ट जो है कुछ हद तक मुझे सिमिलर लग रहा है बट If I was given a choice, I would choose regular Royal Stag over Barrel Select. अब scoring की अगर बात करूँ, so I didn't like this whiskey much. I think एक बहुत ही average whiskey है, not the greatest tasting whiskey even in this budget. And I will give this 4.8 as far as taste score is concerned. एंड अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो आई थिंक 500 इज़ नॉट अ बैड प्राइस. बट 500 में आपको और भी डिसेंट विस्कीज मिल जाती हैं. सो आई विल गिव इट मे बी 8 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 6.4 out of 10. सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट के ऊपर. कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.